हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा 3 फिट का टैंक बन के रेडी हो चुका है अच्छी तरीके से, और उसका जो सम्प हम बनवाए थे वो भी रेडी हो चुका है। और देख सकते हैं वो प्यूमिस्टोन को हम हटाने वाले हैं वहाँ से, आप लोग उसका टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। और काफ़ी दिन से वो टैंक बन चुका था लेकिन मैं कुछ दिनों से बाहर था, इस वजह से मैं उसे ला नहीं पा रहा था, लेकिन आज भाई हम उसे लेके आएंगे। और मैं तो सोच रहा था कि भाई हम अपने यहाँ मॉन्स्टर टैंक के पास में और भी एक्वेरियम रख सकते हैं। आपको दिख ही रहा होगा साइड में उसके एक्वेरियम स्टैंड रखा हुआ है जो 2 फिट वाले टैंक का था हमारे, तो क्या पता हम यहाँ भी कोई फिश रख सकते हैं। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि 2 फिट बाय 1 फिट के लिए कौन सा फिश सबसे अच्छा रहेगा अगर हमारे मॉन्स्टर टैंक के अगल बगल। तो भाई यहाँ पे हम लेके आने वाले अभी स्टैंड, तो चलो भाई लेके आते हैं बिना कोई देरी किए, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। तो फाइनली दोस्तों, आ चुका है हमारा गोल्ड फिश का टैंक, और मैं आपको थोड़ी देर में ही दिखाने वाला हूँ हमारा गोल्ड फिश कैसा दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और मैंने इस बार बहुत ही ज़्यादा अलग कलर में कराया इसे, मैंने इसे डार्क ब्लू में कराया और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और गोल्ड फिश के लिए तो डार्क ब्लू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ बिना कोई देरी के कि हमने उसे किस तरीके से बनवाया। तो भाई ये देखो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। और हमारे मॉन्स्टर टैंक के बगल में एक बहुत खूबसूरत सा गोल्ड फिश का टैंक होने वाला है, तो यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसे सेटअप करने के लिए। तो इसके लिए हमने एक सम्प भी बनवाया हुआ है, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो भाइयों, ये है हमारा सम्प, और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है। और इसमें थोड़ी सी एक गलती हो गई है, आप लोगों को दिख रहा होगा इसके सामने साइड, ये इसका फ्रंट फेस है, और सामने साइड मैंने शॉपकीपर से कहा था कि भाई इसमें विनाइल पेपर लगा दीजिए, लेकिन भाई वो पीछे लगा दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और बैक साइड की तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी हमें, लेकिन कन्फ्यूजन हो गई कि वो मैं सामने कहा था लेकिन उन्होंने पीछे लगा दिया, और मैंने बोला था साइड में भी लगाना है, तो साइड में भी नहीं लगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है, ग्लास आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन ये सम्प के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हम इसे वापस फिर से देंगे, और मैं उस टाइम सोचा कि मैं इसे वापस दे दूँ, लेकिन मुझे एक बार सम्प की टेस्टिंग करनी थी क्योंकि इसमें पानी भी लीकेज होता है, और मुझे देखना है कि पानी लीकेज कहाँ से हो रहा है, और उसको भी हम एक साथ ही बनवा देंगे। तो इसमें एक बार पहले पानी टेस्ट करके देखते हैं, उसके बाद ही हम इसे वापस देंगे, क्योंकि यार सारा चीज़ अच्छे से फिक्स हो, क्योंकि एक बार यहाँ रखाने के बाद ये वापस हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार बहुत दिक्कत होगी सारा चीज़ निकालने के लिए। इसलिए उससे पहले हम सारी प्रिकॉशन लेंगे जो हो सके, और मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से पानी आएगा, ऊपर से पानी आएगा, और उसके बाद यहाँ पे हमारा सारा स्पॉन्ज फिल्टर ये सब रहेगा, हमारा स्पॉन्ज पैड ये सब, और उसके बाद पानी यहाँ से जाने के बाद यहाँ से नीचे आएगा, और यहाँ हमारा प्यूमिस्टोन रहेगा, बायोरिंग रहेंगे, और ढेर सारे जिसमें अच्छे से कॉलोनी ग्रो हो सके हमारी बेनिफिशियल बैक्टीरिया की। उसके बाद हमारा यहाँ से पानी हमारे मोटर पे जाएगा, और मोटर से सीधा हमारे टैंक पे, और ये सेम एज इट इज़ हमारा यहाँ पे रखाने वाला है इसके जस्ट नीचे। और अब मैं आपको टैंक के बारे में बताता हूँ कि हमारे टैंक में क्या क्या चीज़ें हैं। और देखो भाई, टैंक हमारा आपको सिर्फ और सिर्फ 1 फिट का हमारा इसका विड्थ है, और 1.5 फिट इसकी हाइट है, और मैंने इसमें एक होल कराया, आपको दिख रहा होगा। तो इसी होल से सारा पानी हमारा नीचे जाएगा, जब हमारा पानी ऊपर आ जाएगा तो यहाँ से ये हम यहाँ पाइप लगाएंगे, और यहाँ से हम इसे अपने सम्प एरिया पे नीचे साइड पे सारा पानी को भेजेंगे, और उस साइड पे मोटर लगा के हम वापस पानी ऊपर चढ़ा देंगे। तो ऐसा कुछ प्लान है हमारा, और बहुत ज़्यादा सही लग रहा है मुझे सारा चीज़, और टैंक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो देखते हैं कि कैसा वर्क करता है, लेकिन उससे पहले हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा वर्क कर रहा है। हम इसे पानी ऐड करते हैं और देखते हैं लीकेज कहीं से हो तो नहीं रहा है, और हमने अभी उसे स्टैंड में रखा है, और इसके लिए मुझे देख सकते हैं थर्माकोल भी लाना पड़ेगा, और अभी ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, आप लोग बिल्कुल ना समझे, क्योंकि हमने इसे अभी लेके आया जस्ट, तो हम इसके लिए एक प्रॉपर शेप का थर्माकोल काटेंगे जो इसके साइज़ का हो एग्जैक्ट, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है, और नीचे वाले के लिए भी हमें थर्माकोल लाना पड़ेगा। तो ये सब हमें लाएंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे, और इसे भी वापस करना ही है। तो चलो इसमें पहले पानी भर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखो भाई, हमने चालू कर दिया पानी इसका, और यहाँ पे से जा रहा है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, और आपको ये नीचे से दिख रहा होगा, ये है हमारा कम से कम 3 इंच का गैप है, ताकि पानी यहाँ पे पहले भरा है, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाते हुए यहाँ से आए। तो आप लोग एक बार दूर से साइज़ देख लीजिए कैसा मैंने कटवाया है, और आप लोग भी अगर चाहें तो ऐसा टैंक बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा फिल्ट्रेशन होता है, सम फिल्ट्रेशन किसी के टैंक के लिए भी। तो और मैंने जो हमारे मॉन्स्टर टैंक में बनवाया वो तो साइड सम था, वो तो बहुत ज़्यादा छोटा था, आप लोगों को दिख रहा होगा, और मैंने सेम ही बनवाया, जो ये छोटे पे है बड़े पे है वैसे ही मैंने साइड में बनवाया, दिख रहा होगा आपको पीछे बायोमीडिया भी दिख ही रहा होगा। तो आप लोग ज़रूर अपने टैंक में ये सब बनवाएं, ताकि आपकी फ़िश बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे और अच्छी रहे। और हम अभी गोल्ड फिश मंगाने वाले हैं, तो यार उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फिल्ट्रेशन ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने ये हमारा छोटा सा सम बनवाया। और देखो ये पानी अभी भरा रहा है इसके अंदर धीरे धीरे, ये देखो भाई,
और देखते हैं, वेट करते हैं। और नीचे भी हमने इसके लगाया हुआ है, देख सकते हैं विनाइल ब्लू कलर का। और ये मैंने पहली बार लगाया और हमारा पहला टैंक होने वाला है जो बेयर बॉटम होने वाला है, जो कि हमारा गोल्ड फिश का टैंक है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है और थोड़ी सी मुझे सफाई करनी पड़ेगी इसकी, देख सकते हैं यहाँ पर सिलिकॉन दिख रहा होगा, इसे मुझे ब्लेड से निकालना पड़ेगा क्योंकि बेयर बॉटम में एकदम ही क्लीन रखना पड़ता है ये सब चीज़ों को। और तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। और थोड़े बहुत जो है ये सिलिकॉन जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इसको आप अपने ब्लेड से ही निकाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं यार, अब दिख रहा है तो दिख रहा है, इसे निकालना ही पड़ेगा। देखो यार कितना सारा लग गया है यहाँ पे, बाकी तो ठीक है। टैंक बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और बड़ा भी है, हमारे मॉन्स्टर टैंक को टक्कर दे रहा है। और इसकी लेंथ जो है आपको, ये 3 फिट का है और विड्थ तो मैंने बताई दी आपको, 1 फिट है और हाइट इसकी 1.5 फिट है। और भाई देखो ये धीरे धीरे भर आ रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे पानी फ्लो करता है। देखो भाई थोड़ी देर में हमारा सम से पानी आने वाला है और अभी तक मुझे कोई लीकेज दिखी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और सामने के दो रो पे अगर लीकेज ना होना तो उसके बाद थर्ड चौथे रो में कोई दिक्कत नहीं होती है, और वो तो क्योंकि नॉर्मल हो जाता है पानी उसके बाद जाके, क्योंकि हमारा जो फिल्ट्रेशन है मेन यहाँ का है और यहाँ पे है। और अब देखो पानी मुझे लग रहा है गिरना दिख रहा होगा, ये देखो आजा भाई, ये देखो ये देखो पीछे से पानी आ रहा है लगता है। भाई कहाँ से पानी गिर रहा है, एक से मैं ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से आ रहा है, मतलब ये सारा का सारा सिस्टम सही है और आपको दिख रहा होगा पानी यहाँ से गिर रहा है ऊपर से, ना कि नीचे से आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अब ये दोनों का मुझे ज़्यादा डर नहीं है कि यहाँ से भी आए वहाँ से भी आए, लेकिन हम पूरा देखेंगे कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। ये देखो भाई अब इसे छोड़ते हैं, थोड़ा भरने देते हैं और देखते हैं कि और कहीं तो लीकेज नहीं हो रहा है। भाइयों लीकेज मिल चुकी है मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई इस पे पानी कहाँ से आ रहा है, देखो 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 यहाँ पे पानी आ रहा है, ये ऊपर से नहीं आ रहा है। और लीकेज यार मुझे पता ही था कि एक ना एक लीकेज होता ही होता है, क्योंकि हमारे हर टैंक में एक ना एक लीकेज कहीं ना कहीं से है ही है, और वो लास्ट वाले में लीकेज होती है तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यार लीकेज नहीं होनी चाहिए ये सब, बाकी तो बहुत कम लीकेज लग रही है। देखो यहाँ पे पानी आ रहा है और कहाँ से आ रहा है यार, शायद यहाँ से आ रहा है, आपको दिख रहा होगा ये कॉर्नर से, ये देखो यहाँ पे कहीं लीकेज है, लेकिन देखना पड़ेगा यार, अगर ये लीकेज बहुत ज़्यादा बड़ी तो बाद में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो साइड का लीकेज है उसको भी बनवा ही देंगे, क्योंकि हम इसे वापस तो देने ही वाले हैं, और हम इसके आगे पीछे चारों तरफ इसे बॉक्स का विनाइल लगा ही देंगे अब, क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। और जब ये सामने रखाएगा तो ये और भी ज़्यादा गंदा लगने वाला है हमारे मॉन्स्टर टैंकों के साथ। देखो भाई हम मॉन्स्टर एक्वेरियम भी बना लिया हमारे एक्जॉटिक फिश के लिए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब हम इसमें करेंगे प्लम्बिंग, वो भी ढेर सारी प्लम्बिंग करेंगे, क्योंकि यार ये इसमें काम ही प्लम्बिंग का होगा, देख सकते हैं इसमें पीवीसी पाइप लगने वाला है नीचे पे, और वो कैसे लगने वाला है वो आपको सारा चीज़ पता चलेगा। मैं इसके लिए अभी लाइट लेने वाला हूँ, तो बहुत सारा काम है और हमें अभी फिश भी ऑर्डर करनी है, तो देखते हैं भाई क्या क्या इसमें लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा चीज़ करके दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या लगने वाला है, कैसे लगने वाला है, और इसमें कॉस्टिंग कितनी आई, सारा चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मदर कौन सा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।